इसका मतलब है टाइम ट्रेवल। हमने कर दिया। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ टाइम मशीन बनाता है और उसका इस्तेमाल करके खूब मजे करता है, लेकिन उसके बाद वो एक बड़ी गलती कर बैठता है। ऐसा क्या होता है ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, आज हम 2015 में वापस जा रहे हैं एक साइफाई थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अलमने। मूवी एक हाई स्कूल के सीनियर डेविड रस्किन द्वारा अपने दोस्तों के साथ एक प्रयोग का परीक्षण करते हुए शुरू होती है। एडम ली और क्विन गोल्डबर्ग, जबकि डेविड की बहन क्रिस्टीना उसका वीडियो बना रही होती है। ये वीडियो MIT यूनिवर्सिटी के लिए एक स्कॉलरशिप आवेदन के लिए होता है। डेविड अपने ड्रोन को दिखाता है, जिसे वो अपनी उंगलियों पर रखी सामग्री से नियंत्रित कर सकता है। डेविड ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता है। वो ड्रोन को बाहर खुले आसमान में ले जाता है, क्योंकि खुले आसमान में ड्रोन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जब ड्रोन ऊपर होता है, तब डेविड को अचानक एक कॉल आती है, जो क्विन के लैपटॉप पर सिग्नल को जाम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ड्रोन जमीन पर गिर जाता है और सेटबैक के बावजूद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। डेविड इसे सफल मानकर रिकॉर्डिंग समाप्त करता है। कुछ हफ्तों बाद डेविड को MIT से एक एनवेलप मिलता है। वो इसे मिलने के बाद बहुत खुश हो जाता है और अपने फैमिली के पास इकट्ठा होता है। डेविड MIT में जाता है, लेकिन उसे $45,000 के बदले केवल $5,000 ही मिलते हैं। वो ये जानकर दुखी हो जाता है कि उसकी माँ को अब स्कूल की ट्यूशन फीस भरने में कठिनाई होगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि डेविड जेसी पियर्स नाम की एक लड़की से प्यार करता है। घर आने के बाद डेविड और क्रिस्टीना को पता चलता है कि उनकी माँ कैथी ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए घर बेचने की कोशिश कर रही है। डेविड अपनी माँ को उसे बेचने से मना करता है, लेकिन वो जवाब देती है कि अगर उसके पिता जीवित होते तो वो भी वही करते। डेविड उसकी माँ के लिए कुछ तो करना चाहता है, जिससे उसकी माँ की हेल्प हो सके और उनका घर भी ना बेचना पड़े। इसलिए डेविड बालकनी में चला जाता है। वहाँ वो अपनी पुरानी स्कॉलरशिप को ढूंढना शुरू करता है। तभी वहाँ क्रिस्टीना आती है और वो भी उसके साथ खोजना शुरू करती है। तभी उन्हें डेविड की 7वीं जन्मदिन की पार्टी का एक वीडियो टेप मिलता है। वो आखिरी दिन था जब दोनों ने अपने पिता बेन को एक कार दुर्घटना में निधन से पहले देखा था। दोनों वीडियो को अपने लैपटॉप से कैमरे को कनेक्ट करते हुए देखते हैं। वीडियो देखते समय डेविड ने कुछ नोटिस किया। वो खुद को अपनी वर्तमान उम्र में वीडियो में शारीरिक रूप से दिखाई देता है। वो एडम और क्विन को अपने घर बुलाता है और उन्हें वीडियो दिखाता है। सबसे पहले तो वो अपने बचपन को याद करते हुए वीडियो का आनंद लेते हैं, लेकिन बाद में जब डेविड ने उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में दिखाया तो दोनों दंग रह गए। डेविड वीडियो पर इतना जुनूनी है कि वो इसे अपने कॉलेज में भी बार बार देखता है। उसके नोटिस करने पर उसे पता चला कि उसकी शर्ट पर एक नीला दाग है और वो चाबियां पकड़े हुए है। वो अपने बैग में चाबी का गुच्छा खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गलती से उसके पास जेसी की बैग आई है। वो तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन उसके पास जाने के बाद वो उसके साथ बोलने से घबरा जाता है। इसके बावजूद वो उसे उसकी बैग वापस कर देता है। तब जेसी उसे MIT में स्कॉलरशिप पाने के लिए बधाई देती है। उसके बाद वो सब डेविड के घर बेसमेंट में जाते हैं और अपने पिता की रिसर्च लैब में चले जाते हैं, जिसे उनकी मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था। वहां उन्हें फर्श में एक छिपी हुई हैच का पता चलता है, जिसमें एक टेम्पोरल रिलोकेशन डिवाइस मतलब टाइम मशीन के लिए ब्लूप्रिंट मिलती है। डिवाइस के बारे में पढ़ने के बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसे फिर से बनाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मटेरियल खरीदने के बाद वो वापस बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें ब्लूप्रिंट के मुताबिक एक साथ करते हैं। हालांकि कुछ असफल परीक्षणों के बाद सिस्टम में बिजली की कमी होने पर बैटरी फट जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो इसे खरीदने के लिए परमिट के बिना सिस्टम को ईंधन देने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए वो स्कूल से हाइड्रोजन के कैन को चोरी करने की योजना बनाते हैं। क्रिस्टीना अपने कैमरा में ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। वो अपने स्कूल की प्रयोगशाला में घुस जाते हैं और हाइड्रोजन कैन को बाहर निकालते हैं। वो अंत में हाइड्रोजन का उपयोग करके डिवाइस को चालू करते हैं। बेसमेंट में वस्तुएं उड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बैटरी फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्योंकि लोड उनके लिए बहुत अधिक होता है। उसी समय डेविड के घर के पास एक पार्टी होती है, जबकि सभी एक शक्तिशाली बैटरी स्रोत के लिए विचार कर रहे होते हैं। डेविड नोटिस करता है कि जेसी अपनी कार में आ रही है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे सुझाव देता है कि उसकी कार को वो अपने ड्राइववे में पार्क करे। वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो जेसी के कार की बैटरी का इस्तेमाल कर सके।
जैसे ही जेसी पार्टी के लिए निकलती है, डेविड अपने दोस्तों को बुलाता है और केबल को कार की बैटरी से जोड़ने को बोलता है। उनका पहला प्रयोग टाइम ट्रैवल के लिए क्रिस्टीना का लाल खिलौना भेजना है। वो मशीन को पावर देते हैं और तब उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण हर धातु का दौर शुरू होता है। जब जेसी को पता चलता है कि वो उसकी कार के साथ क्या कर रहे हैं, तो वो वहाँ चली आती है और वो सब देखकर चौंक जाती है कि कमरे के चारों ओर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है और जल्द ही पूरे एरिया में लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है, तब सभी नोटिस करते हैं कि टॉय कार ने टाइम ट्रैवल किया है। कार ने दीवार पर छेद किया है। वो गोप्रो कैमरा को देखते हैं, जिसे उन्होंने कार से जोड़ा था, और देखते हैं कि इसे पहले से ही वहाँ बिठाया गया था और उसने सभी घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया है। वो ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। जेसी ये सब देखकर उत्सुक हो जाती है और उनसे इस बारे में पूछताछ करने लगती है कि डेविड और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। तब डेविड उसे सब कुछ बताने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने देता है। बातें करते समय सबका ध्यान जेसी की चाबियों पर जाता है। सबको ये देखकर आश्चर्य होता है। बाद में वो उसे अपने जन्मदिन का एक वीडियो भी दिखाता है, जिसमें वो उसे समझाता है कि वो वही चाबियां हैं। उसके बाद वो उसे टाइम मशीन के बारे में बताता है। वो सब उस रात पड़ोस में एक साथ मिलते हैं और पिछली रात के समय में वापस जाने का प्रयास करते हैं। इस बार वो ऐसा करने में सफल होते हैं, लेकिन वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। उसकी जांच करने के लिए वो सब तुरंत क्विन के घर चले जाते हैं, जहां क्विन पिछली रात को आराम कर रहा होता है। क्विन अपने खुद के पीठ पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा निकालता है। उसके दूसरे ही पल वो अपने पीठ पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है, लेकिन अचानक क्विन अपने भविष्य के स्वयं को देखता है। जब वही दो लोग एक दूसरे को एक ही स्थान पर देखते हैं, तब ये एक अस्थायी गड़बड़ी को ट्रिगर करता है और ये देखकर गायब होने के लिए ग्रुप बाहर भागता है। बाहर आने के बाद सब खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने सफलतापूर्वक टाइम ट्रैवल पूरा कर लिया है। कि तभी एक कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगता है। उसके बाद वो उसी एरिया में लौटते हैं जहां वो प्रयोग के लिए एक साथ हुए थे। तब वो देखते हैं कि उनके साथ वो कुत्ता भी टाइम ट्रैवल करके आया है। वो सड़कों के चारों ओर ड्राइव करते हैं तो उन्हें खोए हुए कुत्ते का पोस्टर मिलता है। इससे पहले कि उन्हें पता चले कि ये वही कुत्ता है जो उनके पास है, वो इसे उसके मालिक तक पहुंचाते हैं। अगले सीन में ग्रुप टाइम ट्रैवल की क्षमता पर विचार करना शुरू करता है और इसे व्यक्तिगत उपयोग में लाने का फैसला करता है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब तक कि वो एक ही समय में एक साथ कूदते हैं। क्विन इसका उपयोग अपनी केमिस्ट्री की एग्जाम में इक्का दुक्का करने के लिए करता है, जब तक कि वो अपने केमिस्ट्री के टीचर द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। उसके बाद क्रिस्टीना उसके कॉलेज में धमकाने वाली सारा से बदला लेने के लिए इसका उपयोग करती है। ग्रुप के पास अब टाइम ट्रैवल है, इसलिए वो इसका उपयोग लॉटरी टिकट की जांच करने के लिए करते हैं। हालांकि उन्हें 6 में से केवल 5 नंबर ही सही मिले और टैक्स डिडक्शन के बाद वो केवल $1.8 मिलियन ही जीत पाते हैं। क्विन खुद को एक अच्छी कार खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करता है और स्कूल में फूड ट्रक की एक पूरी लाइन लगाने के लिए। वहां घर पर कैथी को एक नई नौकरी मिल जाती है, जो डेविड और क्रिस्टीना की खुशी के लिए बहुत अधिक है। एक दिन डेविड अपने ग्रुप को चल रही क्लास से बाहर एक पुल के नीचे इकट्ठा करने के लिए ले जाता है। फिर वो 3 महीने पहले ट्रैवल करते हैं और एक प्रसिद्ध संगीत कॉन्सर्ट में शामिल होते हैं। वो अपने पसंदीदा बैंड को परफॉर्म करते हुए देखते हैं और यहाँ तक कि बैकस्टेज जाने के लिए VIP पास भी प्राप्त करते हैं और बैंड के साथ खूब मजे करते हैं। वो अपना पूरा दिन पानी की स्लाइड पर बिताते हैं और पार्टी करते हैं। धीरे धीरे क्रिस्टीना और एडम दिन खत्म होने से पहले एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं। डेविड जेसी के पास जाता है, जो दीवार को देख रही होती है, जिस पर लिखा होता है दुनिया खत्म होने से पहले, और वो दोनों भी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। जो आपको मरने से पहले करनी चाहिए, जेसी डेविड को पसंद करती है, इसलिए वो दीवार को देखकर उसे बोलती है कि मरने से पहले मैं प्यार में पड़ना चाहती हूँ, लेकिन डेविड उसकी वो बात ठीक से समझ नहीं पाता। इस पर जेसी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो सब वर्तमान में लौट आते हैं। जब डेविड घर लौटता है तो वो लोला पालोस की वीडियो टेप देखता है और तब उसे पता चलता है कि जेसी वास्तव में उसे संकेत दे रही होती है कि वो उसे पसंद करती है। डेविड को वो देखकर बुरा लगता है, क्योंकि डेविड भी उसे पसंद करता है। तब डेविड यहाँ पर गलती कर बैठता है। वो निराश होकर अकेले ही लोला पालोस के लिए वापस कूदता है और जेसी से बात करके उसे चुनता है और वर्तमान में लौटने से पहले अपने प्यार का इजहार करता है। जब डेविड अपने कमरे में लौटता है, तब वो जेसी को कॉल करने की कोशिश करता है।
ये पता लगाने के लिए कि क्या उसकी वो कोशिश सफल रही, उसने उसे फोन किया और पाया कि जेसी का फोन उसी के डेस्क पर बज रहा है और उसे आश्चर्य हुआ कि जेसी बाथरूम से केवल एक टॉवेल पहने हुए निकलती है। ये पता चलता है कि डेविड के इस कदम के बाद वो दोनों अब एक लवर्स हैं और अब एक साथ रह रहे हैं। डेविड उससे पूछता है, क्या कल की रात हमने एक साथ गुजारी? तो उस पर जेसी उसे हाँ बोलती है। अगले सीन में डेविड ने स्कूल में कुछ अजीब चीजों को नोटिस किया। बास्केटबॉल का कप्तान जस्टिन की टांगे टूट गई है और आत्मविश्वास से भरी धमकाने वाली सारा को रोते हुए देखता है। साथ ही एक बैनर लटका हुआ है जिस पर लिखा है कि बास्केटबॉल टीम टाइटंस हार चुकी है। स्कूल के बाद डेविड एडम और क्विन से मिलता है। वो उसे बताते हैं कि एक विमान दुर्घटना हुई है जिसमें सारा के पिता जो पायलट थे उनके सहित 77 लोग मारे गए हैं। लड़कों को लगता है कि उनका टाइम ट्रैवल इसके लिए जिम्मेदार है, साथ ही में चैंपियनशिप हारने वाली बास्केटबॉल टीम। डेविड उन सभी दुर्घटनाओं की फिर से जांच करता है जो हाल ही में हुई थी। फिर वो देर रात जस्टिन के टूटे पैर से शुरू होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का फैसला करता है। अपने ग्रुप को एक इम्पोर्टेंट बातचीत के लिए बुलाता है। इसके पहले डेविड एडम को एक तरफ बुलाता है और खुलासा करता है कि उसने एडम की चेतावनी के बावजूद अकेले टाइम ट्रैवल किया। इसे फिर से न करने के लिए डेविड बिना समय बर्बाद किए अकेले पार्टी की रात में लौटता है। वो सड़क पर कूदता है और जस्टिन को एक आने वाली कार से बचाता है। उसकी वीरता को देखते हुए आसपास के सभी लोग उसकी सराहना करना शुरू कर देते हैं। जब डेविड वर्तमान में लौटता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बास्केटबॉल टीम ने न केवल खिताब जीता बल्कि ये भी कि प्लेन सुरक्षित रूप से उतरा है। हालांकि बास्केटबॉल खेल के बाद एक घटना के बाद एडम को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वो एडम को देखने जाता है लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एडम के साथ क्या हुआ है और वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसके बाद डेविड अपने घर लौटता है और वो ये खोजने की कोशिश करता है कि एडम को सुरक्षित कैसे रखा जाए। मशीन पर टाइम सेट करते समय जेसी अचानक बेसमेंट में प्रवेश करती है जिससे दोनों एक साथ वापस टाइम ट्रैवल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद जेसी गुस्से में डेविड को इस बारे में पूछती है कि उसने अकेले टाइम ट्रैवल क्यों किया। आखिर डेविड उसे सारी बात बताने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर जेसी परेशान हो जाती है। वो खुलासा करती है कि डेविड को पहली बार देखने के बाद से ही वो उसे पसंद करने लगी थी और वो चाहती है कि उससे जल्द मिलने के लिए मशीन का उपयोग कर सके। इस बीच जेसी का पूर्व रूप उसके सामने आती है और जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उसकी शक्ल गड़बड़ होने लगती है और वो पूरी तरह से अपने कार की चाबियों को छोड़कर गायब हो जाती है। डेविड चाबियों को लेता है और जेसी को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तब उसे कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता। डेविड मशीन को नष्ट करने के लिए अपने 7वें जन्मदिन के समय पर वापस जाने का विकल्प चुनता है। डेविड अपने घर आता है और मशीन को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके पास अब हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। टाइम ट्रैवल करने के लिए उसे और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तभी क्विन उसके घर आता है और उसे बताता है कि जेसी लापता है। उस पर डेविड उसे सारी बात बताता है और अपनी गलती के लिए उसकी माफी मांगता है। उसी वक्त पुलिस डेविड के घर पहुंचती है। वो उस पर जेसी के अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। डेविड अपने घर से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे लगती है। डेविड अपने स्कूल में चला जाता है जहां वो एक और हाइड्रोजन का कैन चुराता है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाले होते हैं उसी वक्त डेविड मशीन को चालू करता है और टाइम ट्रैवल करता है। अपने 7वें जन्मदिन पर डेविड समय से 10 साल पहले ट्रैवल करता है और अपने घर आ पहुंचता है। वो आईने में अपने आप को देखता है। वो खुद को ठीक वैसे ही देखता है जैसे उसने उस वीडियो में देखा था। वो अपने पिता को बेसमेंट में जाते हुए देखता है जहां वो एक दूसरे का सामना करते हैं। बेन मशीन को छिपा रहा होता है कि तभी बेन अपने बेटे को देखता है और समझ जाता है कि डेविड को ये मशीन मिल चुकी है और उसने इसका इस्तेमाल कर लिया है। डेविड अपने पिता को याद दिलाता है कि जीवन में हमें दूसरे मौके नहीं मिलते और अब उनको इसे नष्ट करना होगा। बेन को एक आपातकालीन कॉल मिलती है और जब डेविड टाइम मशीन के सभी पुर्जों को इकट्ठा और नष्ट कर देता है उसके तुरंत बाद बेन अपने बेटे को गले लगाने के बाद चला जाता है ताकि इसे फिर से न बनाया जा सके। सीन फिर से वर्तमान में चला जाता है जहां डेविड अपने घर लौट आया है और क्रिस्टीना के साथ स्कॉलरशिप की खोज कर रहा है। तब क्रिस्टीना को अपने पिता का कैमरा मिल जाता है लेकिन इस बार एक के बजाय दो कैमरे मिल जाते हैं। वो उस कैमरे को ऑन करते हैं तभी उसमें उन्हें क्रिस्टीना और डेविड की वीडियो मिलती है। इसका मतलब ये कैमरा क्रिस्टीना का है जिसमें उसने टाइम ट्रैवल की सारी वीडियोस को रिकॉर्ड किया था।
डेविड अब स्कूल में आता है और नोटिस करता है कि इस बार उसके पास जेसी की बैग है। वो अब अधिक आत्मविश्वास के साथ उसके पास जाता है और वो याद करता है कि जेसी ने उससे पहली बार क्या कहा था। जब उसने सवाल किया कि वो कैसे जानता है कि वो डेविड के बारे में क्या कहने वाली थी, तब वो उसे बताता है कि तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम दुनिया को बदलने वाले हैं। मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों सोचिए, अगर आपको ऐसी टाइम मशीन मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।